तो हेलो गाइस, दिस इज नील एंड मेरे पास है दो GoPro Hero 9 Black, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं इन दोनों GoPro 9 के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा, कुछ अच्छे सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, कुछ डिसएबिलिटीज के बारे में बताऊंगा। इसके हम आउटडोर टेस्ट भी करेंगे एक ही वीडियो में, और मैं इस GoPro को अपने हेलमेट में सेट करके भी बताऊंगा कि कैसे वो सेट होता है या फिर कैसे लुक देता है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम शूट करके बताएंगे हम कौन सा सेटिंग GoPro Hero 9 Black के लिए सबसे अच्छा रहेगा, वो भी हम बताएंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड GoPro में चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे कौन कौन के सेटिंग्स हैं यहाँ पे एंड कैसे अपना सेटिंग सेट कर सकते हो या फिर GoPro के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। चलो फिर गाइस, तो निकालते हैं अपने GoPro को जो यूज्ड है, मतलब मैंने ये नया लिया था, ये दोस्त का है, तो ये खोल के मैंने यूज़ किया है दो एक बार। तो चलो फिर इसे ऑन करते हैं एंड जो जो भी सेटिंग्स से है उसे देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये है ऑन ऑफ बटन, इसे एक बार प्रेस करोगे अपने आप ऑन हो जाएगा। जैसे कि देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, अब देख ऑन हो जाएगा। देखो बीप बीप करके ऑन हो जाएगा, GoPro Hero 9 Black ऑन हो गया। अब यहाँ से देखो कैमरा डायरेक्ट ऑन हो गया, यहाँ से स्वाइप डाउन करोगे तब कुछ सेटिंग्स वगैरह दिख जाएगा, जैसे कि ये देख लो सेटिंग्स वगैरह दिख जाएगा। स्वाइप लेफ्ट करोगे तो फिर आपको कनेक्शन एंड प्रेफरेंस का सेटिंग्स मिल जाएगा। अब अगर आप स्वाइप राइट करोगे तो वो टाइमलेस वीडियो और फोटो का ऑप्शन आपको मिल, आप स्वाइप लेफ्ट करो राइट करोगे तब भी ये तीनों ऑप्शन ही आपको मिलेगा। अब बता रहे हम GoPro Hero 9 Black की सबसे अच्छी सेटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे देख लो, स्टैंडर्ड मूड में चले जाओ, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड मूड में जो भी मूड्स है, जो भी सेटिंग्स दिया हुआ है 4K 30 FPS, ये आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप वीडियो रेजोल्यूशन एंड FPS वगैरह, फ्रेम्स पर सेकेंड वगैरह चेंज कर सकते हो। मैंने अभी किया है 4K 30 FPS, 4K 60 FPS कर दे रहे हैं। एंड उसके बाद लेंस जो है इसे हम कर दे रहे हैं वाइड में ही है। लेकिन GoPro Hero 9 Black की मुझे एक बहुत ही बुरी बात लगी, वो है अल्ट्रा वाइड पे आप 4K 60 FPS पे शूट नहीं कर पाओगे। सुपर व्यू में आप 4K 30 FPS तक ही कर पाओगे। इसीलिए GoPro Hero 9 Black में जो रिकमेंडेड कैमरा सेटिंग्स रहेगा वो रहेगा 1080p 60 FPS एंड सुपर व्यू। ये देख लो, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ 1080p 60 FPS एंड लेंस सुपर व्यू। तो ये वाला ऑप्शन ही बेस्ट रहेगा मोटो व्लॉगिंग के लिए। स्क्रीन के ऑप्शन भी ऑन है यहाँ पे। तो अभी आउटडोर में चलते हैं एंड इसे पहले हेलमेट में सेट करेंगे एंड आपको दिखाएंगे किस चीज़ से हेलमेट में हम GoPro Hero 9 को सेट किया है एंड दूसरा कैमरा कहाँ पे सेट कर रहे हैं। चलो सब कुछ दिखाते हैं एंड आउटडोर में इसकी क्वालिटी भी टेस्ट करेंगे, कौन से क्वालिटी में कैसा परफॉर्म करता है या फिर सुपर व्यू में कैसा लग रहा है एंड वाइड में कैसा परफॉर्म कर रहा है कैमरा। चलो फिर अभी हम आउटडोर में आ चुके हैं कैमरे के टेस्टिंग करने के लिए। तो यू कैन सी एक कैमरा हम हेलमेट में लगा दिए। तो ये एक्शन कैमरा माउंट आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा 300 या 400 रुपए के बीच में। हेलमेट का व्यू कुछ देख सकते हो। हेलमेट के लिए भी हम एक वीडियो लेके आएंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि देख रहे हो हेलमेट का जो लुक है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हेलमेट अलग ही एक लुक दे रहा है ना। तो हेलमेट के लिए भी हम एक वीडियो लेके ज़रूर आएंगे, बहुत ही जल्द लेके आएंगे। एक और कैमरा हम यहाँ पे लगा के रखे हैं, ये देखो फ्रंट वाला व्यू ऐसे। ये वाला कैमरा हम इसीलिए लगा के रखे हैं क्योंकि आगे से जो व्यू आएगा ना, जब हम बैठेंगे तब आगे का GoPro का जो व्यू आएगा हेलमेट वाला कैमरे का, वो इसी के लिए ये वाला कैमरा सेट किए हैं हम एंड दूसरा वाला यहाँ पे सेट किया हेलमेट पे, ताकि आगे का भी और पीछे से भी दोनों तरफ से ही व्यू आ जाए। सुपर व्यू के लिए मोटो व्लॉगिंग सेटअप बहुत ही अच्छा रहता है। तो सुपर व्यू पे हम पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 4K 60 FPS पे, मतलब वाइड पे। तो चलो फिर ट्राई करते 1080p 60 FPS सुपर व्यू। बात कर रहे हैं अभी GoPro में, तो पता नहीं नॉइज क्वालिटी कैसा आ रहा होगा, आप सुन
वेब कैम वाला वॉइस से अभी आप सुन रहे हैं। ये वाला कैमरा से मतलब आगे वाला जो आप ले रहा है GoPro Hero 9 Black की जो कैमरा क्वालिटी है, जो 1080p 60fps पे जो क्वालिटी ये प्रोवाइड कर रही है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लाइक स्टेबलाइजेशन बोलो या फिर जो कलर ग्रेडिंग, जो कलर सेचुरेशन जो आता है ना, पूरा नेचुरल लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन विदाउट माइक अडेप्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। जब आप स्पीडिंग कर रहे हो या फिर अच्छे से बाइक चला रहे हो तब नॉइज़ की आवाज़ बहुत ही इरीटेट करेगा आपको, तब विदाउट माइक अडेप्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए माइक अडेप्टर रिकमेंडेड है, अदरवाइज आप 1080p 60fps पे सुपर वाइड वाला, सुपर व्यू वाला मोड पे आप इजीली व्लॉग कर पाओगे, बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। अभी आप देखोगे 4K पे। चलो गाइस, 1080p के बाद अभी हम कर रहे हैं दोनों कैमरा का ही सेटिंग कर रहे हैं 4K 60fps पे। लेकिन 4K 60fps से आपको GoPro Hero 9 Black में सिर्फ वाइड का ही ऑप्शन मिलता है, सुपर व्यू वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। तो देखते हैं वाइड वाला ऑप्शन में मतलब 4K 60fps में कैसा परफॉर्म करता है ये वाला GoPro एंड ये वाला GoPro। चलो देखते हैं अभी। तो गाइज, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, ये भी देख रहे हो, ये वाला GoPro भी ऑन हो चुका है एंड ये हो चुका है एंड ये वाला GoPro भी ऑन हो चुका है। तो चलो फिर देखते हैं 4K 60fps वाइड में कैसा परफॉर्म करता है GoPro Hero 9 Black। जैसे कि देख पा रहे हो ये वाला एंगल से देखो, सिर्फ मुझे ही दिख रहा है ओ भाई, एंड ये वाला एंगल से भी देख सकते हो कितना व्यू आ रहा है। मुझे तो हालांकि ये पता नहीं चल रहा है अभी, अभी हम बाद में दिखेगा मुझे। तो अभी आप चेक कर सकते हो कैसा व्यू आ रहा है ये वाला GoPro से। गाइज, आप लोग तो दोनों ही सेटिंग चेक कर लिए, 4K वाला मतलब वाइड वाला एंड 1060p वाला जो सुपर व्यू वाला, दोनों ही आप चेक कर लिए। तो कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आप लोग कौन सा सेटिंग यूज़ करने वाले हो या फिर आपको कौन सा सेटिंग अच्छा लगा। मेरे लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 1080p 60fps पे ही शूट करो, क्योंकि वो वाइड वाला सुपर व्यू वाला है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस वीडियो यहाँ तक ही। GoPro Hero 9 Black के ऊपर कुछ भी इंक्वायरी है या फिर कुछ भी सवाल करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड हम बहुत ही जल्द हेलमेट के ऊपर भी एक नया वीडियो लेके आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड तब तक के लिए बाय।